Hello friends, today we study French Revolution. Let's start. Today we learn chapter French Revolution. France of the France. Louis XVI, the king, monarchy means king. Louis XVI था वो king था French Revolution में, फ्रांस था उसका king और उसका dynasty था Bourbon dynasty. Bourbon family, वो किस family से belong करता था? Bourbon family से. Ascended the throne of France in 1774. जो throne start हुआ था फ्रांस में 1774 में start हुआ था. At the age of 20, he married Austrian princess Marie Antoinette. जब वो 20 साल का था, जो लुईस 16 था, वो जब 20 साल का था, तब वो king भी बना था, यानी कि monarchy, यानी कि king भी बना था, और उसकी शादी Austrian princess Marie Antoinette से हो गया था. When Louis XVI ascended the throne, France was going through a financial turmoil, money related problems. जब Louis XVI उस throne के बाद king बना था, France में बहुत ही financial problem चल रही थी, यानी कि money related problems चल रही थी. France की condition कैसी थी? Number one, financial France was drained because of the war. वो मतलब जो financial condition फ्रांस की थी, इतनी ख़राब क्यों थी? Drained मतलब ख़राब क्यों थी? क्योंकि जो war में उन्होंने ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए जो पैसे दिए थे, उसके वजह से financial problem उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उधार आ गया था इसी के कारण. फ्रांस अंडर लुई 16 हैज़ हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन थील इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. हाँ, अमेरिकन जो थे, इसके कारण वॉर की वजह से उन लोगों के पास जो लुई 16 जब आया, जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को बचाने के लिए जो पैसा दिया गया था और उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए ब्रिटेन से जो उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको बचाने के लिए जो पैसा दिया करा था, इसी के कारण जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ख़राब हो गई थी. The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. यानी कि जो वॉर के वजह से जो उधारी जो बिलियन लीवर्स, ये जो लीवर्स लिखा हुआ है, वो एक करेंसी है फ्रांस की जो पुराने ज़माने में 18th सेंचुरी में हुआ करती थी, 17th या 18th सेंचुरी में. तो जो था उसके कारण 2 बिलियन लीवर्स मतलब बहुत बहुत, अभी के ज़माने में तो समझ लो 1 करोड़ ऐसे. टैक्सर वर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस. जो टैक्स होता था बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और टैक्सेस बहुत ऊपर, बहुत ही प्रॉब्लम करने लगा कंट्री को, यानी कि फ्रांस को. 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में 3 तरह की स्टेट्स थी. स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट में कौन कौन थे? क्लर्जी, नोबेलिटी एंड पीजेंट्स. ओके, फर्स्ट स्टेट में चर्च पीपल्स आते थे, पोप्स आते थे, यानी कि जो जिसके यहाँ पे मंदिर, हिंदुओं में मंदिर समझाते थे, फ्रेंच में चर्च पीपल्स जो थे वो लोग अमीरी थे. सेकंड स्टेट में आते थे फैमिलीज ऑफ कोर्ट, रॉयल रिलेशंस ऑफ किंग, और ये सब के ही आते थे सेकंड स्टेट में. लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत अमीर थे, इन लोगों के पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी, बहुत प्रॉपर्टीज थी. और थर्ड स्टेट पीपल पीजेंट्स, माने कि फार्मर्स और कॉमन पीपल्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, दुकानदार, ये सब जो होते हैं ना, वो सब थर्ड स्टेट पीपल में आते थे. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा दूंगी और आगे मैं पार्ट वाइज समझाऊंगी आप लोग को. पार्ट टू इज कमिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब.